Hi friends, you're watching Trendy Talks and I'm your host and dost Vakar. Well, criticism, what's that? दोस्तों डेफिनेशन तो सबको पता है और हम में से हर कोई दूसरे या तीसरे दिन क्रिटिसिज्म फेस करता ही है। क्रिटिसिज्म करने वालों का क्या इंटेंशन है और क्या वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो जानना ज़रूरी है। दोस्तों क्रिटिसिज्म से डील करना और भी पॉजिटिवली एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है एंड वी ऑल शुड नो दैट। लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हर कोई क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, इधर प्रोफेशनली या पर्सनली। कभी कभी मुश्किल होगा उसे एक्सेप्ट करना, पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं सब उस पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों इट्स नॉट वेरी काइंड वर्ल्ड, स्पेशली मॉडर्न सेल्फ एस्टीम वालों के लिए। वर्क प्लेस में सिर्फ एक बुरे फीडबैक से या सोशल मीडिया पे एक बुरे कमेंट से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है कि हम अपने आप को कन्विंस करें हम अच्छे हैं या बुरे। लेकिन सवाल ये है कि कैसे अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और कैसे हम क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली यूज़ करें बेहतर बनने में। 2020 में जिंदा रहने का मतलब है गेटिंग हिट बाई वेव आफ्टर वेव ऑफ क्रिटिसिज्म, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन। किसी भी पोस्ट या वीडियो के कमेंट सेक्शन देख लो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, क्रिटिक्स तो देखने मिलेंगे। वैसे दोस्तों ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस डिपेंड करती है कि हम क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे करते हैं। हमारी क्षमता होनी चाहिए लोगों के ओपिनियंस को सुनने की, चाहे वो नेगेटिव भी हो। उसे इम्प्रूव होंगे हमारी रिलेशंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस और नेगोशिएटिंग एबिलिटीज। प्लस अगर हम अपने ईगो साइड में रखकर हार्श क्रिटिसिज्म को भी यूज़ करके बेहतर होने में कोशिश करें तो वो एक पावरफुल टूल बनेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं पर्सनली एंड प्रोफेशनली। क्रिटिसिज्म एक टर्म है फॉर जजमेंट या इवेल्यूएशन, वेदर गुड और बैड, और ये सब जगह है। दोस्तों जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है वो किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को दिमाग में रखकर आपको इवैल्यूएट करता है। दोस्तों तीन रिक्वायरमेंट है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिव है या नहीं। सो नंबर वन, इट्स कंपैशनेट। लोगों को ऐसे क्रिटिसिज्म देना चाहिए कि रिसीविंग एंड पे लगे कि वो केयर करते हैं, एंड शुड कम फ्रॉम समवन द रिसिपिएंट डू रिस्पेक्ट्स। नंबर टू, इट्स स्पेसिफिक। क्रिटिसिज्म एप्रोप्रिएट मैनर में टारगेटेड होने चाहिए, रिसिपिएंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए स्पेसिफिक गाइडेंस देते हुए फॉर इम्प्रूवमेंट। नंबर थ्री, इट्स अ मैच। क्रिटिसिज्म शुड अलाइन विद द रेसिपिएंट्स इमोशन एंड मोटिवेशन। दोस्तों इससे आप पता कर पाओगे कि ये हेल्प है या फिर कोई हार्मफुल क्रिटिक। ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर या बॉस इफेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं समझ पाते, इसलिए एम्प्लॉयज़ को उनके अप्रोच करने में डर लगता है, और जो कोचेस क्रिटिसाइज करते हैं बिना किसी पॉजिटिव इंटेंट के वो यंग एडल्ट्स को मेंटोर नहीं कर पाते। और जो लोग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फेस करते हैं अपने वर्कप्लेस में, उनको स्ट्रेस लेवल हमेशा ही ज़्यादा मिलता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। लिसन ऑनेस्टली फॉर अ क्रिटिक्स इंटेंशन। बहुत लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जब थोड़ा सा भी नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिले, पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और बिल्कुल ठीक है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में सोचना। ओपन माइंडेडली सिचुएशन को अप्रोच करें, चाहे फिर वो फीडबैक किसी भी प्रकार का हो। सोचो क्या ये फीडबैक उससे मिला है जो केयर करते हैं, और क्या वो उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपको इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों हर किसी का रिएक्शन वेरी करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म पे। पर ये भी इम्पॉर्टेंट है हम उन लोगों को करीब रखें जो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं एंड वॉन्ट द बेस्ट फॉर अस। और अगर आपको उनके बोलने का तरीका अच्छा ना लगे तो उनको बता देने में समझदारी है। और अगर वो आपकी बात को नहीं समझ पाता तो वो सिर्फ एक जज, ज्यूरी या एग्जीक्यूशनर बन रहे थे बिना किसी लीगल डिग्री के। वेल बी थैंकफुल टू दोज हु ऑफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। चाहे थोड़ा बुरा लगे सुनने में, पर उससे हेल्प होगी आपको ग्रोथ में एंड यू कैन अचीव योर गोल्स। किसी भी टाइप का क्रिटिसिज्म सुनने के बाद अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है, पर उसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार किसी से बेमतलब डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेते रहो। इट्स सैड बट ट्रू, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। दोस्तों
जब आपको लगे कि नेगेटिव या मीनिंगलेस फीडबैक है, जस्ट से आई अप्रिशिएट अगर आप कुछ वैलिड पॉइंट्स दे अपने फीडबैक में अगली बार। ये कहने से सामने वाले लोगों को अपनी बात समझ आएगी और अपना तरीका बदलेंगे। सो द वीडियो कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सामने वाले के इंटेंशंस को समझना, कामली रिस्पॉन्ड करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे एक्शन लेना और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों से दूर रहना। दोस्तों, द फेमस बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने कहा था कि किसी भी टाइप के क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव या नेगेटिव में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना एक गलती है। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। आप हमें बताएं व्हाट वी शुड डू टू मेक आवर वीडियोस मोर बेटर एंड कीप यू गाइस एंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड एज वेल। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेंडी टॉक्स एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स ऑन आवर चैनल। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। I'm gonna be a big fan.